दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो गद्दारों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं मीर जाफर की कहानी के बारे में। तो कहानी शुरू होती है बंगाल के अंतिम नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला थे। 1733 में जन्मा सिराजुद्दौला काफ़ी कम उम्र में ही बंगाल का नवाब बनाया गया था। वह अपनी नाना की मौत के बाद बंगाल का नवाब बना था। कहा जाता है कि उसके कम उम्र में नवाब बनने के कारण कई रिश्तेदार उनसे खफा थे, खासकर उनकी खाला। उन्होंने सिराजुद्दौला को नवाब बनने के बाद कैद करवा दिया था। सिराजुद्दौला ने जब 1756 में बंगाल की गद्दी संभाली उस समय अंग्रेज़ भी भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने लगे थे। सिराजुद्दौला के संबंध पहले से ही अंग्रेज़ों से अच्छे नहीं थे। 1756 में ही सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के एक मुख्यालय फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था। फोर्ट विलियम पर कब्जा करने के बाद सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में बंदी बना लिया था। इसके बाद उनमें से केवल 23 ही अंग्रेज़ जो थे वो बच पाए थे। कुल मिलाकर अंग्रेज़ों ने ये सोच लिया था कि अगर उन्हें भारत पर हुकूमत करना है या फिर राज करना है तो रास्ते में आने वाली रुकावटों को पहले हटाना होगा। सिराजुद्दौला उनमें से एक था। सिराजुद्दौला जब 1756 में बंगाल का नवाब बना था तब उनसे खाला बड़ी खफा थी। खाला ने बरसों से बंगाल के सेनापति रहे मीर जाफर को तरजीह देते हुए मीर मदान को सेनापति बना दिया। इस कदम से मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला से काफ़ी खफा हो गया। यहीं से मीर जाफर वो मीर जाफर नहीं रहा जिस पर सिराजुद्दौला विश्वास करता था। उसे अब अंग्रेज़ों के बीच अपनी पहचान बनानी थी। हालांकि उनके बीच जगह बनाने के लिए वह सिराजुद्दौला को रास्ते का कांटा मानता था। अंग्रेज़ों को ये पता चल गया था कि सिराजुद्दौला की सेना में मीर जाफर नाम का एक आदमी है जो हमारे साथ हाथ मिलाना चाहता है। उस दौरान अंग्रेजी सेना के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे। उन्होंने इसकी भनक लगते ही अपने दो अंग्रेजी सैनिक या कहे तो जासूस बंगाल भेजे। जासूसों ने क्लाइव को बताया कि मीर जाफर में बहुत संभावनाएं हैं। मीर जाफर तब तक अपने अंदर यह सपना संजो चुका था कि सिराजुद्दौला की मौत के बाद उसे बंगाल का नवाब बनाया जाए। रॉबर्ट क्लाइव ने संपर्क को साधा और मीर जाफर गद्दारी की परवान पे चढ़ने लगे। इसके बाद वो दौर आया जब अंग्रेजों ने बंगाल में हमला बोल दिया। इतिहास की किताबों में इसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। लेकिन सिराजुद्दौला के सामने समस्या यह आई थी कि वह अपनी पूरी फौज को अंग्रेजों के सामने नहीं झोंक सकते थे। सिराजुद्दौला फौज की एक टुकड़ी के साथ प्लासी पहुँचे, मुर्शिदाबाद से 27 किलोमीटर एक जगह डेरा डाला। इसी के बीच सिराजुद्दौला के विश्वास पात्र माने जाने वाले मीर मदान की मौत हो गई। इसके बाद सिराजुद्दौला ने गद्दार मीर जाफर को पैगाम भेजा। यहीं पर मीर जाफर ने खेल कर दिया, उनसे कहा कि युद्ध रोक दिया जाए। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने यही भूल कर दी और उन्होंने मीर जाफर की बात मान ली। मीर जाफर के आदेश को सिराजुद्दौला ने मान लिया और युद्ध को रोकने का आदेश दे दिया। नवाब की फौज वापस अपने कैंप पर लौट आई। युद्ध रुकते ही मीर जाफर को मौका मिल गया। उसने क्लाइव को सारी स्थिति समझा दी। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव को पता चला उसने सिराजुद्दौला की सेना पर हमला कर दिया। अपने ऊपर अचानक हुए हमले से सिराजुद्दौला की सेना बौखला गई और बिखर गई। सिराजुद्दौला की सेना के कमज़ोर होते ही अंग्रेज़ों ने जमकर अत्याचार मचाया और लड़ाई जीत ली। सिराजुद्दौला को जान बचाकर भागना पड़ा। मीर जाफर इसके बाद अंग्रेज़ कमांडर से मिला और उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। वह बस नाम का नवाब था क्योंकि वह अंग्रेज़ों के कहे अनुसार ही काम करता था। 1757 में प्लासी के युद्ध से मिली हार के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बन चुका था। वहीं सिराजुद्दौला से सत्ता छीन चुकी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही सिराजुद्दौला की सेना पर हमला हुआ तो सिराजुद्दौला को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था, तो वह ज़्यादा दिन तक आज़ाद नहीं रह सके। मीर जाफर के सिपाही सिराजुद्दौला को पटना से पकड़कर मुर्शिदाबाद ले गए। मीर जाफर के बेटे मिरन ने सिराजुद्दौला को जान से मारने का हुक्म दे दिया। इसके बाद सिराजुद्दौला को 2 जुलाई 1757 को मुर्शिदाबाद के पास नमक हराम दियोड़ी के पास फांसी दे दी गई। सिराजुद्दौला की लाश को हाथी पर चढ़ाकर पूरे मुर्शिदाबाद में घुमाया गया था। वह दिन था और आज का दिन है आज तक मीर जाफर को गद्दारों की लिस्ट में सबसे ऊपर माना जाता है।